वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। और मैंने ब्लॉग क्यों नहीं किया, क्योंकि पहली बार कंटेंट नहीं था, सेकंड थिंग मैंने अपने अच्छे से बड़े से बाल काट दिए तो मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था। तो आज इसलिए ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं, बताऊँगा जैसे जैसे आज ब्लॉग आगे बढ़ेगा। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 एंड मैं खा रहा हूँ मेरा खाना। तो खाना खाऊंगा, तैयार होऊंगा और फिर निकलूंगा। फिर देखते हैं कैसे कैसे आगे का प्लान होगा। चलो लेक्चर्स ख़त्म हो चुके हैं मेरे और मैं मेरे बैग के साथ रेडी हूँ। मैं बैग क्यों ले रहा हूँ पता नहीं, मतलब हाँ चार्जर है मेरे पास तो मैं वो चार्जर बैग में डालूंगा। मेरे को बैग लेना कंफर्टेबल लगता है सो मैं बैग ले रहा हूँ। एंड कुछ नहीं, अभी निकल रहे कॉलेज वाले तो मतलब क्या ही बताऊँ, अभी तक कोई ठीक से मिला भी नहीं है और ये लोग झगड़ना वगड़ना शुरू कर दिए हैं। तो कोई कोई चिढ़ के ग्रुप लेफ्ट कर रहा है और मैं अपना घर लेफ्ट कर रहा हूँ। चलो मैं हाईवे की तरफ जा रहा हूँ चल के, क्योंकि वहाँ से मेरा दोस्त है प्रथमेश, वो मुझे पिकअप करेगा अपनी स्कूटी पे। फिर हम जाएंगे ओबेरॉय मॉल, वहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है वो। सो मैंने पता नहीं कि हम मैं क्यों निकला हूँ घर पे से, तो शायद मैंने थंबनेल और टाइटल रखा ही होगा पता नहीं, बट मैं घर पे से इसके लिए निकला हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज का एक दोस्त है आशीष करके, उसका स्टेज परफॉर्मेंस है, ड्रामा है। तो एक ड्रामा है जो वो परफॉर्म करने वाला है स्टेज पे, तो वो अटेंड करने के लिए हम जाएंगे। सो अभी वो आने तक एक नींबूपन हो जाए, नींबू ही जाएगा। भाई साहब आ चुके हैं, हाँ चलना आ जाया गोरेगा वाला सीते डायरेक्ट। ये लोग अभी तक मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं, जाने कर रहे हैं मैटर में इंटरेस्ट ही नहीं है मैटर में। और प्रथमेश मेरा ये देखिए कान में डाल के बैठा ईयरफोन सा सवाल। प्रथमेश अच्छा सॉरी, किसी के साथ बात कर रहा है वो, हां बिजी है वो बेचारा। ये ऐसा कुछ नहीं है, सो फाइनली हमारे पास है एक वेज मील और एक नॉन वेज मील। वेज कौन है इधर? देख मुझे ना वेजिटेरियन से सख्त नफरत है। फिर मार भी खाएगा तू? नहीं जाने। और ये बेचारे घर पे बैठे हुए लोग जो यहाँ आ नहीं सके, ये तो सामने ही है, ये सामने है, ये देख ये यहाँ पे। कोई नहीं ठीक है, सह लेंगे थोड़ा वो लोग। पागल लड़की के चक्कर में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वीडियो की वजह से ओए क्यों ठीक है। हाँ तो ये पागल लड़की की वजह से मेरा ये जो बर्गर है वो नीचे गिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये येड़ा बना रहा है, इसने खुद के वीडियो क्रिएट करने के चक्कर में ऐसे लिया और गिरा दिया और पूरा सीट स्पॉइल किया, पैंट बची उसकी जस्ट तो बची। सीट से अपने को क्या होता है? तू अगर उधर ही बैठा तो तेरा पैंट भी स्पॉइल होगा और वो भी किधर का स्पॉइल होगा। बट मैंने साफ किया ना, वो भी मेरे टिश्यू के। हाँ तो और वो भी पता है प्रथमेश को भेजा इसने, मैं ये कट करने वाला हूँ। तो मॉल में हमारा टाइम पास करके हो गया, अभी हम लोग जाएंगे जिसके शो पे मैंने बोला था पहले, तो उसके शो पे हम लोग जा रहे हैं, तो वो है सांता क्रूज में, अभी हम है गोरेगांव में। सो ये दोनों जाएंगे स्कूटी से और मैं जाऊंगा बस से, क्योंकि तीनों जन स्कूटी पे नहीं आ सकते। गुड गुड। सो इन दोनों को यहीं पे अलविदा, बाय बाय बाय, चलो बाय। ओके सो मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पे, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बस ढूंढने में। सो ये लोग यहाँ से आ रहे थे बट यहाँ पे चेकिंग हो रही है बाइक की, तो मुझे लगा ये लोग तो वो पकड़ेंगे, तो मैंने उन लोगों को कॉल करके बोला कि यहाँ से मत आओ, पीछे से आओ, क्योंकि रिस्क नहीं मांगता है। सो कोई नहीं, अभी आगे देखता हूँ जिधर भी स्टॉप मिलेगा वो ले लूँगा। एंड रिक्शा वाले का ऑकवर्ड लुक, सामने से बंदा आ रहा है उसका एक ऑकवर्ड लुक, मेरे पीछे का बंदा उसका एक ऑकवर्ड लुक, ठीक है व्लॉगिंग कर रहे हैं चलता है इतना। सो आगे से पकड़ूंगा मैं बस एंड उतरूंगा सांता क्रूज, देखते हैं थोड़ा मोंटाज वोंटाज शूट करता हूँ। सो मुझे चलना पड़ेगा थोड़ा आगे क्योंकि यहाँ पे तो पूरा ट्रैफिक है और इससे भी आगे है ट्रैफिक, जब गूगल मैप्स पे चेक किया था तो ट्रैफिक था। सो यहाँ से पकड़ना कोई बस स्टुपिडिटी होगी क्योंकि मैं फंसे रह जाऊँगा यार वहीं पे। चलो चलो, कोला के लिए मुझे एक एसटी मिल गई है, मतलब एसटी नहीं है नॉर्मल बीएसटी है। पसीना भी मस्टअप है बस की वजह से, ठीक करने पड़ेंगे। मैंने एक बात नोटिस की कि मुझे पता नहीं मेरा आवाज़ जा रहा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है एंड लोग भी इतने सारे हैं कि उनकी आवाज़ और ऊपर से बाकी सबकी आवाज़, तो उसके बीच शायद मेरी आवाज़ दब जाए, आई डोंट नो। ओके सो मैं जिस स्टॉप पे उतरा हूँ वो मुझे जिस लोकेशन पे जाना था उससे एक स्टॉप पहले है, क्योंकि मेरे सामने ये फ्लाईओवर है, अगर मैं उस स्टॉप पे नहीं उतरता था तो मुझे फ्लाईओवर से ऊपर जाना पड़ता था और वापस पीछे आना पड़ता था, तो उससे अच्छा मैंने बेटर ऑप्शन यही चुना कि मैं उतर जाऊँ और यहाँ पे आ जाऊँ। सो वो दोनों मेरे लिए उधर रुके हैं हाईवे पे, थोड़ा और चलूँगा तो वो दोनों पे मिल जाएंगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं है, जितना है उतना कवर कर सकता हूँ। सो अच्छा ओके, ये इतने दिनों बाद ब्लॉग किया है तो चुप ना, इतने दिन अगर बाद ब्लॉग किया है, अगर ब्लॉग छोटा बना तो फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, मेरे को फ़ायदा नहीं है क्योंकि, तो फिर क्या ही मतलब है ब्लॉग का। तो अंकल भी ताड़ रहे मेरे ब्लॉग पे, ये बंदा कर क्या रहा है, बंदा पागल हो गया है। और ये दोनों मुझे यहीं पे कहीं मिलेंगे, देखता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे करो। वैसे है दोनों पागल, मेरे को पता एग्जैक्टली बता दें नहीं कहाँ पे खड़े, मैंने पूछा हाईवे पे बोलते नहीं, मैंने पूछा अंदर बोलते हैं नहीं, तो कहाँ हो भाई। अरे कोई नहीं, मैं कॉल करता हूँ। We'll be right back.
वो तो रिकॉर्ड करने में बिजी है, और ये व्हाट्सएप का ठीक है। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी बाजीराव। मैंने तुझे जो बोला है मीट रखेंगे ठीक है, और अपना स्क्रिप्टिंग का भी थोड़ा याद रखना। वो स्क्रिप्टिंग क्या करनी है, जाना किधर का हो? ए बोल, ट्रेन में बैठे कॉल कर, उसको कॉल कर। कैसे से बात की बात करते हो? तो व्लॉग की समाप्ति इधर ही, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा घर पे एंड कुछ नहीं, और घर पे जाके सो जाऊंगा। दैट्स इट, ये व्लॉग भी एडिट करना है, खत्म। तो यहाँ से निकलने से पहले हम लोग यहाँ पे रुके कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा वाला ट्रैफिक मिलने वाला है हमारे रास्ते पे, सो हमें कहीं रुकने नहीं मिलेगा, बस कुछ खा पी रहे हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पे मैं दिख भी नहीं रहा हूँ और आवाज भी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि हाईवे है तो बहुत आवाज है। सो मैं सब अंदर वाले रोड पे जाऊंगा, तब थोड़ा बातें करता हूँ। वैसे बात करने के लिए कुछ है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा ट्रांजिट करता हूँ। ये लो। ओके, सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। बहुत दिनों व्लॉग किया शूट, बहुत वीक्स बाद किया शूट, मज़ा आया शूट करने में, एंड बहुत दिनों बाद भी मैं अपने फ्रेंड्स से मिला, सबसे मिला तो मज़ा आया। और कुछ नहीं, यहाँ तक देखा तो कुछ मत करो यार, क्या करोगे, लाइक थोड़ी मैं मांगूंगा नहीं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दैट, बाय। व्लॉग एंड ही करने वाला था, मेरे को बीच में मिली ये, इसने मुझे जानबूझ के वापस व्लॉग शुरू किया। तो अभी आपका मैं पूरे सम्मान से आपको भगाना चाहता हूँ, निकल चल, बाय। ये पोस्ट क्रेडिट सीन, तो कुछ लोगों के या कुछ जनों के मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, मतलब किसने बोला था कि फर्स्ट वॉज लाइक तू वीकली व्लॉगिंग कर रहा था, तूने वीकली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो क्या हुआ, वीकली व्लॉगिंग बंद क्यों कर दी, हवा टाइट हो गई या फुस हो गई, फिर क्या हुआ? तो उनके लिए बस एक ही रिप्लाई कि मेरी मर्ज़ी, मेरे को नहीं करना, मेरे को मन नहीं किया व्लॉग करने का उसके बाद, सो मैंने छोड़ दिया, और जब मन किया तब मैंने व्लॉग उठाया और व्लॉग किया। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग, और सेकेंड थिंग ये है कि एक क्वेश्चन आया था कि ब्रो तूने वो लास्ट ब्लॉग डाला था, आई ब्रोक माय लेग, वो तूने क्यों डाला था, तुझे सिंपति चाहिए थी क्या? ब्रो कांड भरा।